रामलला की पवित्र धरती पर बिग बी ने खरीदी करोड़ों की जमीन। अयोध्या के राम मंदिर से केवल 15 मिनट दूर होगा महानायक अमिताभ बच्चन का नया आशियाना। इस वक्त हर तरफ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार देश भर का हर एक इंसान बेसब्री से कर रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। इन्हीं में से एक है बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन। लेकिन लगता है कि सीनियर बच्चन केवल प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके बाद भी रामलला के पास रहने की ही प्लानिंग कर बैठे हैं। भाई तभी तो अयोध्या में अमिताभ बच्चन ने खरीद ली है करोड़ों की जमीन जिस पर बिग बी बनाने वाले हैं एक सुंदर सा आशियाना। इन दिनों देश भर का माहौल रामलला की भक्ति में लीन है। हर कोई श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 22 जनवरी का वह ऐतिहासिक दिन होगा जब भगवान राम अयोध्या में अपने नए घर में विराजमान होंगे। हालांकि अमिताभ बच्चन के इस अयोध्या वाले प्लॉट के बारे में डेवलपर कंपनी की ओर से ज्यादा जानकारी नहीं रिवील की गई है। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि बिग बी ने जो जमीन खरीदी है उसकी कीमत करोड़ों में है और इसका साइज भी काफी बड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिग बी के इस नए प्लॉट की कीमत 14.5 करोड़ रुपए बताई है और इसका साइज 10,000 वर्ग फीट है। खास बात यह है कि सीनियर बच्चन का यह नया प्लॉट सरयू एन्क्लेव में है जो राम मंदिर से केवल 15 मिनट की दूरी पर है और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 मिनट की दूरी पर है। अब ऐसे में देखा जाए तो बिग बी का यह नया आशियाना काफी खास है। हालांकि अमिताभ बच्चन के बारे में सभी जानते हैं कि वह प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं और यहीं उनका जन्म भी हुआ है। ऐसे में खबरों की माने तो उनके नए प्लॉट को लेकर बताया जा रहा है कि बिग बी का नया प्लॉट उनके बर्थ प्लेस से काफी नजदीक है। प्रयागराज से अयोध्या की दूरी करीब 4 घंटे की है। अमिताभ बच्चन सरयू के पहले ग्राहक बन गए हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन इस नई जमीन को खरीदकर काफी खुश है। हालांकि उन्होंने इस प्लॉट के बारे में अभी तक कोई रिएक्शन अपना नहीं दिया है लेकिन फैंस कयास लगा रहे हैं कि अयोध्या में इस नई जमीन को खरीदकर अमिताभ बच्चन रामलला के पास में ही बसना चाहते हैं।